और देख लो भाई कितना पुराना बना होगा। अंकल नाव चला रहे हैं, उधर ये ड्रोन शॉट ले रहे हैं और इनका ड्रोन इनके बगल से उड़ते ही जाता है। ओनर गाड़ी के उतर के हमें चांस दे रहे हैं, देख लो। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज जो हम आपको ग्रीट कर रहे हैं वो वॉइस ओवर में कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट के कारण आपका भाई ये भूल गया था कि भाई गोप्रो का माइक होता है और उसको लगाना भी पड़ता है और उसको चेक भी करना होता है कि वो ख़राब भी हो सकता है। एक्साइटमेंट इस बात की थी कि भाई पहली बार मैं किसी बुलेरो की छत पर खड़े होकर इस तरीके से व्लॉग कर रहा था। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और जो सड़क जिस पर हम चल रहे थे वो बिल्कुल ही ड्रीमी सड़क थी, क्योंकि दोनों तरफ इतनी हरियाली थी, पहाड़ थे और बीच में से वो सड़क निकल रही थी जिसके ऊपर हमारी बोलेरो शाएं शाएं करके बहुत तेज़ी से निकल रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि भाई आज हमारा वाइजैक में आखिरी दिन था और हमने सोचा कि भाई वाइजैक में आए हैं तो भगवान के दर्शन ज़रूर कर लें। आदित्य भाई हमें एक ऐसे मंदिर की तरफ लेके जा रहे थे जो कि बहुत पुराना था उस एरिया का, और मान्यता है कि वहाँ का जो पानी आता है वो किसी अननोन सोर्स से आता है, और उस सोर्स से जो पानी एक बार आप पी लेंगे तो आपकी बॉडी की जो इम्प्योरिटीज़ है वो बहुत जल्दी निकल जाएंगी। सो चलते हैं उस मंदिर की तरफ, भगवान के दर्शन करते हैं और नज़ारों का लुफ्त उठाते हैं मिश्रा जी के साथ। सो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं मंदिर में। मंदिर वाला रूट है बेसिकली यहाँ पे। ये कौन सी जगह भाई? ये हारपालम टेम्पल है। हम उसके एंट्रेंस में एंटर कर चुके हैं, अब हम टेम्पल की ओर जा रहे हैं। 5 मिनट में हम टेम्पल पहुँच जाएंगे। तो पहाड़ी के ऊपर है टेम्पल? नहीं नहीं, नीचे है। एक थोड़ा सा जो मेन टेम्पल है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़कर, लेकिन जो हमें ज़रूरत है वो नीचे ही मिल जाएगा हमें। तो पानी का क्या मतलब सीन है यहाँ पे, किस तरीके से आता है और क्या मान्यता है इस जगह की? मतलब ऐसी मान्यता है यहाँ पे, पानी जो आ रहा है ना, जो नीचे की तरफ आ रहा है जहाँ से नहा धो के ऊपर टेम्पल की ओर जाती है, तो वो पानी आज तक पता नहीं चला वो आ कहाँ से रहा है। वो सालों से कम बहुत सालों, 50-60 सालों से वो पानी कंटिन्यू आ रहा है। अभी आप देखोगे वो पानी कंटिन्यू चलता रहता है, रात भर दिन भर चलता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता। सारा पानी माउंटेन से आ रहा है, लेकिन नोबडी नोज फ्रॉम वेयर दैट वाटर फ्लो इज कमिंग। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर की तरफ, और ये यहाँ का मंदिर के कुछ इनिशियल नज़ारे हैं। यहाँ से ही स्टेपिंग करके ऊपर की तरफ जाया जाता है। चलते हैं एक बार ऊपर जाके और शिव पार्वती जी के, यू नो, भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे। मे बी, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन से गॉड को मानते हैं, क्या सीन है, बट ठीक है भाई, मंदिर है तो पूरी आस्था के साथ चलेंगे। ये देखो ये स्टेप्स लेके हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो भाई ये रहा मंदिर। आई थिंक, मुझे नहीं पता अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं है। और इस तरफ ऊपर जाके जो है ना वो पुराने वाला मंदिर है। आई थिंक ये वाला मंदिर होगा, क्योंकि ऊपर तो मुझे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है। ये देखो देखो, अब जैसे हम लद्दाख साइड में एक पत्थर के ऊपर पत्थर रख के स्ट्रक्चर बना देते थे, वैसे इतने सारे स्ट्रक्चर ना यहाँ पे भी बने हुए यार, लोगों ने बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यार बिलीफ लोगों की सेम है, चीज़ें सेम है, भगवान सेम है, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है। जिंदा प्रूफ है भाई कि यहाँ पे भी, जैसे हम लद्दाख में पहाड़ों में जाते हैं, पासिस पे जाते हैं गुड विशेस के लिए, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं। और कभी कभार तो मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि शंकर जी की प्रतिमा के तौर पर इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर भी यार एक बार फिर देख लो, बने हुए हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स। मंदिर की तरफ आपको ले चलता हूँ, चप्पल उतार देते हैं और चलते हैं। ये रहा पूरा मंदिर। यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता होगा मेरे ख्याल से, और देख लो भाई कितना पुराना बना होगा, जिस हिसाब से ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट बना हुआ है, तो कितना पुराना है। मैं फिलहाल अभी प्रक्रमा कर रहा हूँ, प्रक्रमा इज लाइक एक बार पूरा घूम के आ रहा हूँ, उसके बाद मंदिर के अंदर चलेंगे। यहाँ से मंदिर की एंट्रेंस है और शंकर जी का मंदिर है भाई,
जय हो शंकर बाबा की। बम बम बोले नंदी महाराज। पर्सनली बताऊं तो मुझे कैमरा बंद कर देना चाहिए। तो भाई ये है वो जहाँ से पानी आता है सोत्र, सोत्र तो काफ़ी ऊपर है, बाकी मिश्रा जी बताएंगे आपको। होटल लगाओ मिश्रा जी। पानी वहाँ से आ रहा है, अम्मा जानती है, अम्मा पानी कहाँ से आ रहा है पीछे कहाँ से भाई। यहाँ पे ना लोग नहाते हैं, पानी लेके जाते हैं अपने घर पे, जिस तरीके से नॉर्थ में हम लोग करते हैं ना भाई, गंगा का पानी बहुत शुद्ध होता है और होता भी है, उसी तरीके से यहाँ की मान्यता है। लोग नहा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे पानी भर के ले जा रहे हैं काफ़ी दूर दूर तक। और ये पुराना एक तरीके से ना मतलब साउथ इंडियन घाट है, उधर तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बाथरूम वगैरह है वो अच्छा नहीं लगता। तो भाई पानी यहाँ से भरते हैं फिर चलते हैं अपने रास्ते में। एक बार फिर देख लो यार किस तरीके से यहाँ पे पानी भरा जाता है। एंड दिस इज़ मान्यता और अपनी भक्ति भावना जो होती है उसके ऊपर ही सब कुछ होता है। तो पानी भरते हैं और फिर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, चल रही हम वापस से इधर की ओर, रुकते नहीं हम एक जगह भी भाई, इनकी वजह से रुकना पड़ रहा है, इतना लेट हो गए हम। हमें जाना था आवा, आवा यहाँ पे एक जगह है जो बहुत बड़ा तालाब है और वहाँ पे ये आपको ना। तो भैया मोटो व्लॉग भी हो ही रहा है, देख लो कितने भाई कर रहे हैं मोटो व्लॉग। मोटो व्लॉग क्या यार, ट्रिपलिंग करके चला रहे हैं गाड़ी, मज़ा आ रहा है बस। ट्रिपलिंग करके चला रहे हैं भाई और रास्ते देख लो भाई क्या मस्त आ रहे हैं। कोंडा करला कावा, आवा आवा मैं नाम भूल जाता हूँ, भाई जगह का नाम है कोंडा करला आवा, आवा। अब भैया मिश्रा जी पहुँच गए। यस दिस इज कोंडा करला आवा, यहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है, ये सारे बोटिंग वाले हैं जो बोटिंग बुक करते हैं। तो भाई ये रही अपनी बोट और फाइनली हम जा रहे हैं भाई, ड्रोन भी निकाल रहे हैं अभी, ड्रोन भी उड़ाएंगे यहाँ से, ड्रोन फ्लाई कर सके हम यहाँ से। हाँ ये मिश्रा जी ने स्पेशली लगवाई है मेरे लिए, इतना प्यार करते हैं भाई मुझसे, इतना प्यार करते हैं, बनता है भाई फॉलोअर्स बनता है मेरे लिए एक। हाँ बिल्कुल भाई, इनके अकाउंट को जरूर चेक करना। तो ये एक ग्रुप और जा रहा है, हम लोगों के तीन जनों के ना 600 रुपये लगे हैं यहाँ पे बोट पे जाने के। और खुशखबरी की बात देखो हमसे मिलने कौन आ गया है। हेलो गाइस। हेलो। अरे सर सेल्फी, सर सेल्फी, सर सेल्फी प्लीज। चलो भैया थार भी आ गई अपनी, चलते हैं साइड पे क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे, तो उसके बाद हम फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चले जाएंगे। अच्छा स्कूटी से आ रहे हो, मैं स्कूटी से आ रही हूँ तो थार से आ रहा है। देखो भाई हमारी कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत है भाई, ओनर गाड़ी के उतर के हमें चांस दे रहे हैं देख लो। बाय बाय भैया, बाय। तो भैया लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स फाइनली गुड बाय हो गया, और मिश्रा जी yes. इनको मैं साथ लेके जा रहा हूँ अपने साथ, अपने अफलातून मित्र को। ये देखो शुरू हो गया इनका, फोन शुरू हो गया अपने आप ही। सो भाई लाइफ की एक ऐसी ट्रिप थी जो कभी भूलेंगे नहीं। खैर पहली बार साउथ आए थे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा जो है लैंग्वेज में ट्रबल रहा वो थोड़ा हो जाएगा अभी, मैं अभी थोड़ा ऐसा सा और इमोशनल था, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। तो ठीक है यार इस सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं, हमारी फ्लाइट है रात को कितने बजे की भाई, 7:30। अब देख लो गलत बता रहा है बंदा, फिर अभी 11 बजे की फ्लाइट बताई थी, अब 10:30 की बता रहा है, अब 7 बजे की बता। 10:30 गाइस, 10:30 हम रिपोर्ट कर देंगे, अपडेट कर देंगे आपको। चलो अपडेट तो नहीं करेंगे कुछ, हम ऐसे इंस्टाग्राम पे हम स्टोरी डालते रहते हैं। तो मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ,
टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाकी सीरीज कैसी लगी बता देना यार जरूर, क्योंकि काफ़ी दिन बाद कोई ट्रैवल सीरीज कर रहे थे, अभी तक तो बाइक सी वीडियो ही आ रही थी। तो ठीक है, जरूर जरूर कमेंट करके बताना, और कुछ गलत भी लगे वो भी बताना। अपना सपोर्ट जारी रखना दोस्तों।